हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ए स्टैंडर्ड। आज हिंदी में हम सीखेंगे पहला चैप्टर, जो एक कविता है, तेरी ही जमी। ये एक प्रार्थना गीत है। कविता का प्रकार होता है, उसमें इसका प्रकार है प्रार्थना गीत। आपको पता है, हमारे घर में भी रोज़ सुबह शाम हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि ईश्वर हमें खुशी से रखे, हमारे हर हाल में हमारा साथ दे, हमारा दुख दूर करे और हमारी रक्षा करे। कोई अच्छा प्रसंग होता है, अच्छा कोई भी बात होती है, तो पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपको पता है, स्कूल में भी स्कूल शुरू होने से पहले सबसे पहले प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें ज्ञान देना, हमारी रक्षा करना और हमारी कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना। इस तरह ये कविता का प्रकार भी है प्रार्थना गीत, यानी कि ये कविता में प्रार्थना है। तेरी है जमी, तेरा आसमान, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये जमी है, ये धरती है, ये तेरा ही है और ये आसमान भी तेरा ही है। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सबसे बड़ा मेहरबान, सबसे बड़ा दयालु तू है, हे ईश्वर। सारी धरती तुम्हारी है, ये आकाश भी तुम्हारा है और तुम बड़े दयालु हो। तू बड़ा मेहरबान, यानी तुम बड़े दयालु हो। तू बख्शीश कर, बख्शीश कर यानी क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। हे ईश्वर, सभी का है तू, सभी तेरे, सभी लोग, सभी जन तेरे ही हैं और तू भी हमारा है और सब तेरा ही है। हे दुनिया के मालिक, सब कुछ तेरा ही है, सभी तेरे ही हैं और सभी सबको तू अपना मानकर चलता है। खुदा मेरे तू बख्शीश कर, तेरी मर्जी से ए मालिक इस दुनिया में आए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, इस दुनिया में हम तेरी मर्जी से आए हैं, तेरी इच्छा से हमारी दुनिया में हम आए हैं। ये दुनिया में जन्म हमारा तूने ही दिया है, तेरी ही मर्जी से, तेरी ही इच्छा से ये दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी ही मर्जी से ए मालिक इस दुनिया में हम आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने, तेरी रहमत से यानी तेरी दया से, रहमत यानी दया से, तेरी कृपा से हम सब ने ये जिस्मों ये जान पाए हैं। ये जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण, तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। हे ईश्वर, हम तेरी दया से ही, तेरी कृपा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और हमारा जो शरीर है, हमारा प्राण है, वो भी तेरी कृपा से ही हमें मिले हैं। ये जिस्मों जा पाए हैं तेरी रहमत से, यानी तेरी कृपा से हमने पाया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, हमेशा तू नज़र हम पर रखना, यानी हमारा ख्याल रखना। हे ईश्वर, हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा तू खबर रखना, यानी हमेशा हमारे ऊपर तेरा ध्यान रखना। हर हाल में, हर मुसीबत में, हर संकट में तू हमें बचाना और हमारा साथ देना। हम किस हाल में हैं, हमारा कोई भी संकट आता है, हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, तो वो भी तू दूर करना और हम पर ये खबर रखना, हम पर ध्यान रखना।
तेरी है जमी तेरा आसमां। फिर आगे कवि कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, तू जो चाहे तो हमें रख सकता है, यानी जीवित रख सकता है। हमें पता है कि जब भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, तभी हम जीवित रह सकते हैं। और जब भगवान हमें मार डाले या हमें मारना चाहे, तभी हमारा कुछ नहीं चलता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। आज हे ईश्वर, हे प्रभु, तेरे आगे हम सर झुका के खड़े हैं। हम सब तुम्हारे आगे सर झुका कर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। और कवि कहते हैं कि हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तेरे आगे नतमस्तक खड़े हैं, सर झुका कर खड़े हैं, कि आज हम जो हमारे जो दुख हैं वो तू दूर करेगा। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत वाले, सर्वशक्तिमान जो कोई दुनिया में है तो ईश्वर हैं। ये सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो ईश्वर चाहे तो हमें जीवित रख सकता है, ईश्वर चाहे तो हमें मार सकता है। इसीलिए तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं आज हम। हे ईश्वर, हम आज तेरे आगे सर झुका के, हाथ जोड़ के हम खड़े हैं कि हे सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। जो तू चाहे तो हमारा हर संकट, हमारा दुख, हमारी आफत तू टाल सकता है। क्योंकि हमें पता है, जब भी हमें दुख आता है, आपके घर में भी देखना, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई मुसीबत होती है, तो तुरंत हम सब भगवान के पास बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा दुख दूर कर देना। अगर ये प्रभु हमारे जो दुख हैं उसमें हमें साथ देना और हमें शक्ति देना, क्योंकि हे ईश्वर, तू सबसे बड़ी ताकत वाले हैं, सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान और दयालु जो हैं वो हैं ईश्वर। तो इस तरह इस कविता में प्रभु के पास, ईश्वर के पास सब बैठ के नतमस्तक हो के प्रार्थना करते हैं। ये हमें इस प्रार्थना काव्य में बताया है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए सबके लिए हमें दयालु हैं, ईश्वर हैं, इसके सामने ही प्रार्थना करने जाना पड़ता है। आपको पता है कि हिंदी में और गुजराती में कई शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के आते हैं। तो इस तरह इस कविता में जो बख्शीश, फिर रहमत, जिस्मोजा, ये सब उर्दू शब्द हैं। बख्शीश का मतलब है क्षमा करना, रहमत यानी कृपा, और जिस्म और जा ये हैं शरीर और प्राण, ये उर्दू शब्द हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के शब्द अंदर सम्मिलित होते हैं और उसी का ही हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इसमें ये जो शब्द दिए हैं वो उर्दू के शब्द हैं। और इस प्रकार इस कविता में हमें सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े हिम्मतवार और सबसे बड़े हमें रहमत जो कोई किसी देता है, कोई देता है तो वो हैं ईश्वर, वो हैं प्रभु। हमें इस प्रार्थना से, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें अच्छा सुकून मिलता है, हमारे मन में मन शांत हो जाता है और हमें विश्वास होता है कि आज हमने जो प्रार्थना की है तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारा दुख दूर करेंगे।
इस प्रकार इस कविता में ये प्रार्थना की है और ईश्वर को सबसे बड़ा ताकतवर माना है। आपको इस कविता में समझ आ गया होगा कि प्रार्थना का महत्व क्या है और इस कविता में प्रार्थना के रूप में ईश्वर से क्या कहते हैं।